हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनु छाबड़ा और आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं ये ग्रीन स्मोकी आइस का ट्यूटोरियल। आगे आने वाले वेडिंग सीजन के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपकी ड्रेस थोड़ी सिंपल है तब भी आप इस लुक को इजीली कैरी कर सकते हैं। सो गाइस, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। पर उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, क्योंकि विंटर सीजन स्टार्ट हो चुका है और आप सभी को पता है, अगर आपने मेरी प्राइमर्स वाली वीडियो देखी है, कि मुझे ऑयल प्राइमर्स बहुत ही पसंद है विंटर सीजन में। अपनी फाउंडेशन से पहले मैं ये पैक का पोर प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। ये ऑयल प्राइमर है, ये मेरी फाउंडेशन को बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करता है और मेरी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करता है। बहुत ही अच्छा ऑयल प्राइमर है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। उसके बाद मैं अपने आईब्रोज करूंगी। ये मैंने नया पैलेट परचेज़ किया है, यह है स्विस ब्यूटी का पैलेट। बहुत ही अच्छा है, काफ़ी पिगमेंटेड है। इसी ब्रश की हेल्प से सबसे पहले मैं आईब्रोज को फिल कर लूंगी और उसके बाद इस पैलेट में एक जेल दिया हुआ है, उससे अपने आईब्रोज के हेयर को सेट कर लूंगी। कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ नाइका का पैलेट। इसे मैंने रिसेंटली परचेज़ किया है, बहुत ही अच्छे कंसीलर हैं, काफ़ी क्रीमी हैं और डार्क सर्कल्स को भी अच्छे से कवर करता है। फाउंडेशन के लिए मैं यूज करने वाली हूँ वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन और पैक HD फाउंडेशन। वेट एंड वाइल्ड की फाउंडेशन मैट फाउंडेशन है और पैक का फाउंडेशन काफी ड्यूई लुक देता है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छे से कवरेज भी देता है और साथ ही साथ ड्यूई फिनिश भी देता है, इसलिए मुझे ये कॉम्बिनेशन काफ़ी पसंद है। फाउंडेशन ब्लेंड करने के लिए आज मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी ज़्यादा कवरेज चाहिए और इसे मैं अच्छे से टाइम लेकर ब्लेंड करूँगी। ब्रश से ब्लेंड करने के बाद अब मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा ब्यूटी ब्लेंडर। इसे मैं बहुत ही हल्के हाथों से अपने पूरे फेस पर डैब डैब करूंगी ताकि जहां भी एक्स्ट्रा फाउंडेशन है वो एब्जॉर्ब हो जाए। अपने अंडर आई एरिया को हाईलाइट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूं पैक का स्पॉटलाइट कंसीलर। इसमें मेरा शेड नंबर है 2 और इसे मैं अपने फिंगर से ही ब्लेंड करूंगी। अपने फेस को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा फेवरेट मेबलिन का फिट मी लूज पाउडर इन द शेड लाइट। अब इस वक्त अपने फ्लैट फेस को थोड़ी सी डायमेंशन देने के लिए मैं यूज कर रही हूँ लॉरियल का ब्रॉन्जर। अब एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से मैं अपने नोज को भी इसी ब्रॉन्जर से कॉन्टूर कर रही हूँ और इसके बाद मैं अपना आई मेकअप करूँगी। आई मेकअप के लिए मैं यूज़ करूँगी आज मेरा फेवरेट मॉर्फी का पैलेट, ये है 39A पैलेट। बहुत ही अच्छे आई शेडोज हैं और काफ़ी पिगमेंटेड भी हैं। सबसे पहले मैं ये लाइट कलर ले रही हूँ और इसे अपने ट्रांजिशन एरिया में लगाऊंगी और यहाँ मैं मॉर्फी का ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं ये वाला कलर पिक करूंगी और एक पॉइंटेड ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इसे अपनी क्रीज में ब्लेंड करूंगी। यहाँ भी मैं मॉर्फी का ही ब्रश यूज़ कर रही हूँ। इस कलर को मैं अपनी क्रीज में ब्लेंड करूंगी। नेक्स्ट मैं ये डार्क कलर ले रही हूँ और अपने आईज़ के आउटर कॉर्नर्स पर पहले इसे प्लेस करूँगी और उसके बाद इसे स्लोली ब्लेंड करूँगी। स्मोकी आइज के लिए आपको अपने आई शेडोज को बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करना चाहिए, आप पूरा टाइम लीजिए। एंड हेयर यू कैन सी कि थोड़ा सा फॉल आउट हो रहा है और क्योंकि मैंने अपना बेस मेकअप कर लिया है और मैं उसे रिव्यू नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा लूज पाउडर अपने अंडर आई एरिया पर लगा लूँगी। अब सेम आई शेडो को मैं सेकेंड आई पर भी लगा लूँगी ताकि दोनों आइज में कोई भी डिफरेंस ना लगे और दोनों एक जैसी स्मोक आउट लगें। अब इस कलर को मैं छोटे छोटे स्ट्रोक्स में ब्लेंड करूंगी और अपनी क्रीज में ले जाऊंगी।
बहुत ही लाइट हैंडेडली मैं इसे ब्लेंड करूंगी ताकि ये बिल्कुल पैची ना दिखे। और अब फर्स्ट ब्रश जो कि मैंने ब्लेंडिंग के लिए यूज़ किया था ट्रांजिशन कलर को, उसी से मैं सारे कलर्स को ब्लेंड कर रही हूँ ताकि ये बिल्कुल ब्लेंडेड लुक दिखे। अब मैं अपनी क्रीज को कट करूँगी, आज मैं हाफ कट क्रीज ही करूँगी। नेक्स्ट मैं ये टील कलर ले रही हूँ, ये शिमरी कलर है, इसे मैं अपने लिड के सेंटर पोर्शन में लगाऊंगी। यहाँ मैं मॉर्फी का ब्रश यूज़ कर रही हूँ और इसे मैंने सेटिंग स्प्रे से थोड़ा सा वेट किया है। नेक्स्ट मैं ये गॉर्जियस ग्रीन शिमरी कलर ले रही हूँ और इस कलर को टील कलर के बिल्कुल सेंटर में लगाऊंगी और इन दोनों को आपस में ब्लेंड कर दूंगी। अब नेक्स्ट मैं ये कॉपरिश गोल्डन कलर ले रही हूँ और इसे अपने आईज के 1/3 पोर्शन पर लगाऊंगी। और यहाँ मैंने एक छोटा ब्रश यूज़ किया है, ये भी मॉर्फी का ब्रश है। इन दोनों कलर के एजेस को भी आपस में ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं लोअर लैश लाइन को भी स्मोक आउट करूँगी, वही सेम मैट शेड्स जो कि मैंने अपर लिड पर यूज़ किए थे। लोअर लैश लाइन को भी स्मोक आउट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऊपर की तरफ हैवी आई लुक क्रिएट करते हैं तो लोअर लैश लाइन को भी अच्छे से स्मोक आउट कीजिए। और उसके बाद मैं शिमरी कलर्स को भी लोअर लैश लाइन पर लगा रही हूँ। अपनी वाटर लाइन पर मैं प्लम का कोल अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपकी आईज थोड़ी सी छोटी हैं तो आप यहाँ पर वाइट पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। आईलाइनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा फेवरेट लैक्मे शाइन आईलाइनर और मैं आज विंग क्रिएट करूँगी। अब मैं अपने लैशेस को प्रिपेयर करूंगी फॉल्सीज के लिए। अपने लैशेस को मैं कर्ल करूंगी और उसके बाद अपना फेवरेट सेंसेशनल मस्कारा लगाऊंगी। अगर आप फॉल्सीज के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप मस्कारा के 2 कोट अप्लाई कीजिए, उससे भी ये लुक बहुत ही अच्छा लगेगा। ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा फेवरेट पार्टी ब्लश, ये है मिलानी का ब्लश। बहुत ही अच्छा ब्लश है, सॉफ्ट पिंक है और इसमें ग्लिटर पार्टिकल्स भी हैं। इसके साथ आपको हाइलाइटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने मेकअप को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर। ये काफ़ी अच्छा मेकअप फिक्सर है, काफ़ी अफोर्डेबल भी है। हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कलर पॉप का हाइलाइटर, ये बिल्कुल ब्लाइंडिंग हाइलाइटर है। इसी हाइलाइटर से मैं अपने आईज के इनर कॉर्नर्स को और ब्राउ बोन को भी हाइलाइट करूंगी। ये हाइलाइटर फिंगर से यूज करने पर बहुत ही अच्छा ग्लो देता है। एज यू कैन सी कि फिंगर से ब्लेंड करते ही ये बिल्कुल ब्लाइंडिंग ग्लो देता है। इसे मैं अपने फेस के सारे हाई पॉइंट्स पर लगाऊंगी। और अब मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ कि मैं न्यूड लिप्स रखूँ या ब्राइट लिप्स रखूँ, बट बिकॉज़ ये वेडिंग लुक है इसलिए मैं लिप्स को ब्राइट ही रख रही हूँ। आप चाहें तो न्यूड लिप कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट मैं ये रेड कलर ले रही हूँ, ये कलर पॉप की लिक्विड लिपस्टिक है, इसका शेड है अरीबा। और इसको थोड़ा सा टोन डाउन करने के लिए और ऑम्ब्रे इफेक्ट के लिए मैंने सेंटर में न्यूड कलर भी यूज़ किया है। एंड गाइज, हेयर इज़ माई फाइनल लुक। इफ़ यू वॉन्ट, आप इस लुक को एज इट इज़ कैरी कर सकते हैं, बट अगर आप एक ओम फैक्टर चाहते हैं तो आप डेफिनेटली ग्लिटर्स अप्लाई कीजिए, जो कि अब मैं नेक्स्ट करने वाली हूँ। मैं यूज़ करने वाली हूँ मिस क्लेयर का लिक्विड ग्लिटर, काफ़ी अच्छा ग्लिटर है और काफ़ी अफोर्डेबल भी है। इसे मैं डायरेक्ट अप्लाई नहीं करूंगी, थोड़ा सा इसे हाथ पर लूंगी और अपने फिंगर से इसे डैब डैब करके अप्लाई करूंगी। ये बिल्कुल परफेक्ट येलो गोल्ड कलर है जो कि मेरी लुक के साथ परफेक्टली जाएगा।
इसे मैं स्पैरिंगली लगाऊंगी, बहुत ज़्यादा ग्लिटर नहीं लगाऊंगी, बट डेफिनेटली अगर आप चाहते हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा ग्लिटर अप्लाई कर सकते हैं। गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप ये लुक आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा होगा। गाइज प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल बटन पर भी क्लिक कीजिए। अगर आप इसी तरह के और लुक्स देखना चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आई वुड लव टू क्रिएट वन फॉर यू।